नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज मलाई से घी निकाल के बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मलाई को हमें फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखनी चाहिए। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो मलाई एक से दो दिन में ही उसका घी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वो खराब हो जाती है। और हम फ्रीजर में रखते हैं तो 15 दिन की मलाई इकट्ठी करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने फ्रीजर में रख रखी थी, इसे एक घंटे पहले निकाल ली। ये नॉर्मल हो गई है, ये हमारे गाय के दूध की मलाई है। अब हम इसका घी निकालेंगे। अब हम मलाई डाल देंगे कढ़ाई में। अब इसे हम फुल आंच पे मेल्ट होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मलाई मेल्ट हो गई है, अब इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए घी निकालना है। मैं ये नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, तो इसमें चिपकने के चांस कम रहते हैं। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में घी निकाल रहे हैं तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि नॉर्मल कढ़ाई में नीचे चिपक जाता है और चिपकने के बाद जलने की सी घी में स्मेल आने लग जाती है। देखिए मलाई में से घी निकलने लग गया है। इसे बनाते समय इसमें छींटे भी आते हैं, तो ध्यान से मिलाइए। गैस बंद कर देंगे, ये हमारा घी निकल गया। अब इसे हम छान लेंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर छानेंगे। ये हमारा घी ठंडा हो गया है, अब इसे हम छान लेंगे। ये हमने घी छान लिया है और ये मावा निकला है। मावा का यूज मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये घी पीला क्यों निकला है, तो ये मेरा गाय की मलाई का घी है इसलिए पीला है। अगर हम दूसरे दूध का निकालेंगे, गोल्ड का या भैंस का, तो उसका व्हाइट निकलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।